असलम वेलकम टू लाइफ स्टाइल विद साहिबा आज हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसे फ़ाइन एक्टर जो कि एवरग्रीन हैं और उनकी मैं क्या तारीफ़ करूं अब उन्हीं से उनकी तारीफ़ सुन लेते हैं हमारे साथ बैठे हैं काशिफ़ महमूद असल वालेकुम अस्सलाम सबसे पहले तो आपके आपसे एवरग्रीन का लफ्ज़ सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा है ना क्योंकि आप ख़ुद एवरग्रीन हैं. अच्छा थैंक यू और आप, बहुत शुक्रिया अच्छा चाय चाय कैसी लगी आपको, चाये चाये लगी आपको बहुत अच्छी आपके साथ ना जब भी मैं आपको पता नहीं जब आप मेरे शो में आई थी उसकी मैंने ये बात की थी जब भी मैं आपसे मिलता हूँ ना तो मुझे मेरा वो वक्त वक्त वो याद रहता है जब मैं बूम ऑपरेटर था आप आपसे मैं इंटरव्यू कर रहा था आपका अच्छा और ये अजरमिया जो है वो जानते हैं मनु भाई एसोसिएट्स ना वो बूम ऑपरेटर उस वक्त नहीं था आपको हमारे जो मैन है हाँ. हाँ, तो वो बूम ऑपरेटर कोई नहीं था तो उन्होंने कहा कि चलो मैं ही बूम ऑपरेटर बन जाता हूँ तो मुझे अच्छी तरह याद है कि आप इस तरह इसलिए मैं बैठा हूं तो मैं ये करीब ही आपके बूम पकड़ के मैं बैठा हुआ था और आपका इंटरव्यू कोई फिल्म आपकी आनी थी या कुछ ऐसे आना था तो ऐसे लोगों के लिए एक के साथ जिनको हमने इस लेवल से देखा हो कि हम एक टेक्नीशियन है और आप एक सुपरस्टार थीं थी हैं और रहेंगी इसी तरह जो आपके हस्बैंड नामदार हैं जॉन डैम्बो साहब <laughs> वो भी आ, जब बकरा आठ सौ सीसी एक ड्रामा था हाँ। जो जॉन डैम्बो साहब सुपर स्टार थे आज भी हैं तो मैंने उस स्टेज ड्रामे में एक बहुत ही छोटा सा रोल किया था एक एंट्री अच्छा, की थी अच्छा। तो आप दोनों मिया बीवी के साथ ये मेरा बहुत ही स्पेशल रिश्ता है जो कभी खत्म नहीं होता अच्छा तो ये बताए ना कि अब मैं यहाँ बैठी हूँ और आप यहाँ बैठे हैं तो ये कामयाबी आपको कैसी लगी आ, कुछ चीज़ें साहबा जी ऑटो पे होती हैं अगर आप ये कहें कि आप फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा करियर जो है वो आशियाना ड्रामा से अगर शुरू हुआ है और वो ड्रामा जो है वो मैंने प्रोड्यूस कर लिया किस तरह कर लिया ये एक बहुत बड़ी कहानी है लेकिन Uh, कुछ चीज़ें जो है वो अल्लाह ताला ने आपसे ले, से लेनी होती है एक ले मैन जिसके ना आगे का पता ना पीछे का पता ना कोई एक्टिंग एक का पता वो एक आशियाना जैसा ड्रामा लिख लेता है उसको समहााउ प्रोड्यूस कर लेता है जो कि एक अनहोनी सी बात है तो मैं उसका क्रेडिट जो है वो सिर्फ अल्लाह की जात को देता हूँ अच्छा वो ड्रामा लिखा भी आपने था ये ये, ये मुझे अब पता चला है बस वो कुछ ऐसे सबब थे हाँ। कि मनु भाई ने उसकी नोक पलक ठीक की थी अच्छा और इसलाह जिसे आप कह सकते हैं लेकिन ये है कि वो ड्रामा बस और लिख लिया क्योंकि एक डस पड़ी थी आ, जिनके आ, जहां पे मैंने चार साल इंतजार किया था कि मुझे आ, वो मिलेगा ब्रेक थ्रू मिलेगा वहां मुझे ब्रेक थ्रू नहीं मिला किसी और को मिल गया तो बस मैंने तहिया कर लिया कि बस ये काम मैंने खुद करना है ये ड्रामा मैंने खुद बनाना है सो अगर आप उसको कैलकुलेशन करेंगे ना मिट्टी में जाएंगी कि एक बंदा कैसे कर सकता तो इम्पॉसिबल सी बात है लेकिन बस अल्लाह ने कराना होता है तो बस अल्लाह ने करा दिया लेकिन वैसे अगर देखें कि काशिफ महमूद क्या है काशिफ महमूद क्या बनना चाहता था और क्या बन गया और क्या चाहता था देखिए मैं एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखता अभी भी मैं अपने आप को लो मिडिल क्लास मिडिल क्लास समझता हूँ और मिडिल क्लास नौजवान के पास ख्वाब होते हैं हिम्मत होती है और बस मेरे पास भी ख्वाब थे हिम्मत थी और मैंने कोई ऐसा कैरियर अपने लिए सेलेक्ट कर लिया था जो कि मे बी और मे बी नॉट के, के दरम्या में होता है जुआ होता है ना जिस तरह एक टेस्ट क्रिकेटर है लाखों लोग क्रिकेट खेलते हैं लेकिन कोई एक इंटरनेशनल प्लेयर बनता है इस तरह आप आपने भी अपनी ज़िंदगी में देखा है कई बेपनाह जो हैं वो एक्टर्स की कोशिश करते हैं लेकिन अल्लाह किसी को कामयाब कर देता है तो बस ये मेरे ख्वाब थे मुझे अंदर से एक आवाज़ आती थी कि मैं ये लगा रहूं तो एक दिन कामयाब हो जाऊँगा कामयाब लोग सोते में ख्वाब नहीं देखते कामयाब लोगों के ख्वाब उनको सोने नहीं देते आपके साथ भी ऐसा ही हुआ बिल्कुल बहुत अच्छी बात आपने की क्योंकि जब आप जागती आंखों से खाब देखेंगे तो वो तो बात आपको सोने नहीं देंगे तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही केस था लेकिन मैं अपनी कामयाबी का ना कामयाबी पता नहीं है या नहीं मैं जहाँ पर भी हूँ मैं ये तमाम क्रेडिट जो है वो अल्लाह की ज़ात को देता हूँ देखिए कोशिश बहुत से लोग करते हैं बहुत से लोग जो हैं मुझसे ज़्यादा उन्होंने मेहनत की होगी लेकिन आ, शायद वो दुनियावी कैलकुलेशन में माना पहुँचे हों तो मेरा ख्याल है कि ये इट्स अ ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह कोशिश सब करते हैं Uh, कोई कामयाब हो जाता है कोई देर से होता है जिस uh, कोई देर से हिट होता है तो वो ये है बस और किसी आजकल ऐसा ही है ना कि लोग जो हैं काफ़ी एज में जाकर हिट हो रहे हैं आपने बहुत ही कम एज से स्टार्ट किया और लगे हुए हैं अपने हाँ वैसे अब तो वाकई काफ़ी अर्सा हो गया थर्टी इयर्स के करीब तो हो गए काम करते हुए और uh, uh, बस ये है कि चल रहा है अभी तक लोग बोर नहीं हुए आपके डायरेक्टर प्रोड्यूसर आपसे बोर नहीं हुए तो कोशिश ये करनी चाहिए एक एक्टर को कि वो एक कैनवस की तरह हो आ, कोई भी बंदा पेंट करना चाहे तो उसकी उसके पास वो टैलेंट हो तो आ, अभी पिछले दोनों बस चलें वो जिक्र आया तो वो फैसल कुरैशी साहब का वो जो प्रोग्राम चल रहा है ना जिसमें वो एक्टर सारे बैठ जाते हैं और वो हाँ हा। करते हैं तो उसमें वो रेट कर रहे थे या आ, रिव्यू कर रहे थे कलंदर ड्रामे का तो फैसल ने भी ये बात की कि शायद मेरी अभी आ, स्क्रीन ऐज उतनी नहीं है जितने कि मैं रोल कर रहा हूँ तो एक स्क्रीन एज होती है एक अपनी ऐज होती है तो मुझे लगता है कि कैरेक्टर रोल्स जो हैं अगर आप करते रहेंगे तो आप आ, बहुत आगे तक जाएंगे हीरो और हेरोइन की एज जो है वो छोटी है या कम है लेकिन करेक्टर रोल्स की एज जो है वो चलती रहती चलती है। रहती, है। रहती है। अच्छा रिश्तों में कैसे हैं आपके रिश्तों में जॉइंट फैमिली सिस्टम कायम टाइम रखा हुआ है अभी तक सब इकट्ठे रहते हैं और uh, मैं सबको यही कहता हूं कि uh, इंसान इंसान के साथ ही रह सकता है बिल्कुल इंसान अकेला नहीं रह सकता तो वो बहुत जरूरी है और uh, uh, मेरा ख्याल है कि अगर uh, जॉइंट फैमिली सिस्टम 22 25 लोग इकट्ठे रहते हैं तो और बीइंग एन एल्डर ऑफ माय फैमिली तो अंदाजा लगा अच्छा है बड़े हैं सब मैं सबसे बड़ा हूं लेकिन जो सबसे खूबसूरत रिश्ता होता है सबसे प्यारा रिश्ता होता है वो आप क्या समझते हैं कि आपका सबसे क्लोज और प्यारा रिश्ता देखिए अक्सर लोग आप करते हैं तो एक पॉपुलर सा आंसर है जिम्मे मेरी माँ मेरी बहुत करीब है वो तो एक माँ तो माँ है मां उसका तो, तो कोई दूसरी बात नहीं कर सकता लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक ऐसा रिश्ता जो आप अपने लिए चूज करते हैं जो सेलेक्ट करते हैं जो आपकी मर्जी से आपका आपका रिश्ता बनता है, हाँ. वो है, आपका है वो आपकी शरीर हयात कही है वो आपकी बेगम कही है बाकी सब तो चॉइस ही नहीं है मैं आम खोली ये भी ये तुम्हारा भाई है हाँ. समझ आई भी ये तुम्हारा नहीं होती यही भाई है हाँ, यही बहन बहन है यही चाचा मामा यही है देर इज नो चॉइस चॉइस जिसकी है वो एक ही रिश्ता है एंड दैट इज वेरी स्पेशल और बाकी रिश्तों की तो इम्पोर्टेंस है ही है अपनी लाइफ में लेकिन आई एम वेरी लकी Uh, ये बात मैं इसलिए नहीं कर रहा कि बात करने में आ जाती बट आई एम रियली लकी एक एक्टर के लिए उसकी शरीका हयात का कॉपरेटिव होना मेल uh, एक्टर के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी बहुत है। और uh, मेरी uh, मेरे करियर में जहाँ मेरी माँ का मेरे पूरे घर का बहुत सपोर्ट है वहाँ पे मेरी वाइफ का भी बहुत बड़ा रोल है एंड आई थिंक इज़ वेरी डियर टू मी ये जो मियाँ बीवी का रिश्ता होता है uh... सिर्फ यही वो रिश्ता है जो टूट सकता है बाकी कोई रिश्ता टूट नहीं सकता बिल्कुल सही सबसे मजबूत और सबसे नाजुक और मेरे पागलपन पे आ, मेरे मेरे अंदर एक पागलपन है मुख्तलिफ चीज़ें मैं करता रहता हूँ और मेरे पागलपन को आ, मेरी बेगम ने बहुत सपोर्ट किया है सपोर्ट करती, है। करती और जिसका अमली सबूत नहीं जिसका अमली सबूत आपने कल देखा हाँ कल जब आप आई और ये पागलपन नहीं था ना दो सौ ढाई सौ लोगों को इकट्ठा करना उनको उनको साइकिलिंग करानी लेकिन फ्रॉम द डे वन से लेकर अभी तक वो मेरे साथ है और सबका खाना बनाती है मेरे साथ मिलके सब कुछ करती है तो आ, मैं उसका शुक्रिया अदा कर सकता हूँ और आपके घर में मैंने ये देखा कि बड़ी ऑर्गेनिक चीज़ें हाँ जी। अपना, अपना फार्म हाउस है बिल्कुल और... था वो ज़रा वाइंड अप कर दिया कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं पागल पने की बात है ठीक हाँ। है तो वो आ, अब मैं साहिबा जी इस नतीजे पहुँचाऊँ कि दुनिया में ना खास तौर पे आपकी लाइफ में ऑर्गेनिक कुछ नहीं हो सकता है ना हाँ हो ही नहीं सकता अब तो कट्टा जो जो जिसे भैंस का बच्चा है हाँ हाँ। उसको ऑर्गेनिक दूध नहीं मिलता जो कि डायरेक्ट पीता है अच्छा वो इसलिए है क्योंकि ऑर्गेनिक फील्ड ही नहीं है ऑर्गेनिक का मतलब ही नहीं ना पता हाँ। को नहीं पता तो वो आ, ये है की बच्चा खालिश मिल जाए बहुत है और जितना जितना बेहतर हो सके आपको कोशिश करनी चाहिए तो वो तीन साल वो काम करने के बाद इस नतीजे पे पहुंचो मेरे बस की बात नहीं थी उसके अलावा आपके घर में बहुत खूबसूरत खूबसूरत बहुत बड़े बड़े चीता टाइप कुत्ते भी है। आज, हैं जी कि बिल्कुल कितने हैं पहले आज से एक साल पहले तो बहुत ज्यादा थे अट्ठाइस थे बहुत अब मैंने वो इस साइकिलिंग ने थोड़ा सा मुझे उसमें से कम कर दिया है और अब मेरे ख्याल है दो हैं पहले बहुत थे एक साल पहले तो मैंने कहा ना कि मेरे पागलपन पे मेरी बेगम साहबा जो है ना बहुत हेल्पफुल रहती हैं अच्छा स्टार क्या है वैसे आपका मेरा लियो है अच्छा लियो मेरा भी लियो है अच्छा क्या कौन से दिन पैदा हुए? मैं 6th अगस्त 5th अगस्त अरे वाह वेरी नाइस ओ हो 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 ये तो बड़ा काम अजीब सा हो गया फिर तो अच्छा, अच्छा मुझे समझ आ गई मुझे वैसे अब आपका इंटरव्यू करने की जरूरत नहीं है आपके बारे में जानने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मुझे आपकी समझ आ गई है आ, मैं मेंटली मेंटली अच्छा वो, वो शायद रिलैक्स करता है <laughs> <शायद। laughs> <वे लियां बोई। laughs> <laughs> नहीं नहीं वो भी वो भी सपोर्ट करते हैं <laughs> और बहुत सारे काम जो मतलब एक बहुत जिंदगी में बहुत कुछ जब कर लिया हो ना आपने आपने ज़ीरो से स्टार्ट करके आपने ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें कर ली हूँ अपने रिश्तेदारों के साथ उन्हें सेटल कर लिया और अपना नाम बना लिया और वो पीक देखी हो और वो शोहरत देखी हो जो मैंने आज तक किसी की नहीं देखी hmm. तो फिर बंदा इतना रिलैक्स हो ना उनका उनका कभी ना कभी बनता है बिल्कुल सर बिल्कुल सही कि मैंने आज तक रैम्बो साहब जितनी शोहरत मैंने किसी की नहीं देखी इसलिए इसमें तो कोई शक की बात ही नहीं है ना देखें hmm. आ, आई हैव अ वेरी स्पेशल रिलेशन विद जॉन रैम्बो हाँ जी uh, और uh, मैं और जब हम, आप लोग मिलते हैं हाँ। तो आपस में नोक झोंक लड़ाई हाँ। और प्यार और पता नहीं क्या उन्हें समझाने लग जाते हैं हाँ जी वो इसलिए <laughs> ना कि नहीं मैं इनको समझाता नहीं हूँ वो हाँ। खुद बहुत समझदार है लेकिन आ, आ, मेरी, मेरी नजर में मासूम है मेरी नजर में ना जॉन रैम्बो एक एरा का नाम है एक आ, एक बहुत बड़ा ब्लेस्ड आदमी है जॉन रैम्बो हाँ, और आ, मुझे ऐसा लगता है कि अल्लाह ताला ने बहुत दिया हुआ है हाँ, बहुत ज्यादा दिया हुआ है तो स्टार डस्ट जो है ना वो पिछले अगर हम आठ दस या पंद्रह बीस साल में देखेंगे कौन स्टार डस्ट किसने एंजॉय किया है तो जॉन रैम्बो इज वन ऑफ देम मशहूर तो बहुत से लोग होंगे जानते भी बहुत से लोग होंगे लेकिन जो स्टार है ना वो एक और चीज ही होता है और वो वो में है। और वो साहब में मैं आपको वो एक ना एक किस्सा सुनाता हूँ अच्छा। जॉन रैमो साहब का भी <laughs> रिसेंटली रिसेंटली तो नहीं कुछ साल पहले की बात है ये उसी वक्त की बात है जब मैं फार्म था फार्म था आपका तो मेरा ना वो एक साहिवाल नस्ल का एक बहुत बड़ा जागीरदार था या जिसके बाद बहुत बड़ी फार्मिंग थी हाँ हा। मैंने उससे रहा किया उसको पता लगा कि मैं भी एक्टर हूँ तो मैंने कहा कि जी का जॉन रैमो नया हो ना तो जो कहोगे

जब नाश्ता वाश्ता हमने किया तो रेमबो साहब की मुझे अच्छी तरह याद है ये पेट्रोल पंप पे हम मिले ठोकर पे तो मेरे पास भी प्रियस थी इनके पास भी प्रियस थी इनकी लेटेस्ट थी मेरी थोड़ी पुरानी थी तो, तो चॉइस ये हुआ कि हम लेटेस्ट प्रियस पे जाते हैं तो इन्हीं के प्रस पे हम गए <स्था> तो रास्ते में खाना नहीं खा सके हम हाँ। ना कि चलो उसके पास ही खाएंगे अच्छा ये है ना ये अब आपने

बॉडी लैंग्वेज में आ गया कि उन खुदा हाफिज रे, साहब तो कितना चाय पीते हाँ, हैं ना बिस्किट खाते हैं बिस्कुट तस्वीरें फिर उतर गई और जो उसने नस्ल दिखाई थी वो दिखाई हाँ, और उसे दी, दी भी उसने कुछ भी नहीं तो हाँ, जो उसके बाद तो हम कुर्ते शुरते जो है से उठे और बाद जाए पहले खाना खाया और अब हम जब मज़ार पे जाने लगे तो मैंने इनको कहा मैं क्या सर वहाँ पे बहुत रश होता है तो वहाँ पर गाड़ी आगे नहीं जा सकती हमें बहुत दूर तक गाड़ी खड़ी करनी नहीं जी मैंने तो गाड़ी वहीं खड़ी करनी है

ग्रेट आदमी हैं इस तरह के तो खैर उनके बहुत सारे हाँ। वाक़ हैं मेरे आँखों देखे क्योंकि मैं ऐसे नहीं किसी के बारे में बात करती कि मैंने ये देखा है मैंने बहुत सारे ऐसे वाक़ देखे शामी, हैं आपके बहुत ही ज़बरदस्त तो आप जरूर खाएं ये किसने बनाए हैं ये आ, मैंने ही बनाए हैं ओके ग्रेट आप खा सकते हैं हाँ। और हम लोग वैसे ज़्यादातर खाना जो है ना वो घर का ही खाते हैं और आप ऑलिव ऑयल में खाते हैं मुझे पता ऑलिव ऑयल में नहीं ऑलिव ऑयल में भी खाते हैं लेकिन रैम्बो साहब ने क्या किया है कि सरसों का जो तेल है मस्टर्ड hmm. उसकी एक टेक्निक होती है जो आपको स्मेल भी नहीं आएगी वो उनको ही पता है और hmm. वो शायद अपने चैनल पे भी उन्होंने बताया hmm. तो वो आपको बिल्कुल और ये उसी में फ्राई हुए हुए, हुए, हुए हैं आपको स्मेल तो नहीं आ रही ना बिल्कुल नहीं आ रही और क्योंकि सरसों का जो तेल है वो गर्म गर्म होता है ठंडा होता है ये उन्हें पता है। वो जिसमें ठहरता नहीं है जमता नहीं है गर्म हो जाता है वैसे ठंडा भी रहता है। <laughs> नहीं मैं कह रही हूँ वो जमता नहीं है ना तो इसलिए वो बॉडी में ठहरता नहीं है तो इस वजह से और हमारे देखें बाहर हमारी जो सब्जियां वगैरह बहुत सब हुई है वही तोड़ के हम इसमें हालांकि मैं आप लोगों के बड़े पीछे पड़ा रहा हूँ हाँ। रेम्बो साहब के पीछे घर को बेचते हैं कहीं और चले जाए लेकिन आप लोग नहीं माने चले बस यहाँ पे दिल लग गया ना रेम्बो साहब का जिस चीज से दिल लग गया है ना आपके साथ लगा हुआ है <laughs> जहाँ आप होंगी वहाँ दिल लग जाएगा आपका। अच्छा आप वैसे ये सारा कुछ हम रैम्बो साहब पर हमने फोकस कर लिया है आपको बुलाया आपसे बात करनी है स्पेशल आदमी है ना है। आपकी जिंदगी की स्पेशल आदमी है इतनी चीज़ों में इंटरेस्ट है आपका साइकिलिंग में और ये आ, क्या फार्म हाउस और इस तरह की चीजें कुत्ते रखे हुए हैं और पता नहीं क्या और घर भी आपका बहुत खूबसूरत है और फिर आपका पता नहीं शॉप्स भी हैं आपकी काफ़ी सारी जगह पे आपने लेकिन आपका असल शौक क्या बनना चाहते थे आप एक एक शौकीन आदमी जो करना है और उसकी पीक को टच करने की कोशिश करनी है हाँ, लेकिन, लेकिन ये शौकीन आदमी लेकिन एक्टर ना होते तो फिर क्या आपका क्या बनता ख्याल ले बिजनेस मैन ही होते जो मैं हम कर रहे हैं अगर मैं एक्टर ना होता तो फिर एक्टिव बिजनेस मैन होता जैसे अभी हमारा जो फैमिली बिजनेस है

ए तो हो गई कि ये दस रुपए का मैन पे है हाँ, कार ठीक हाँ. है जी ए उन सात रुपए का दे रहे 3 रुपए मैं कोलो पा रहे हैं। <laughs> नहीं तो वो आ, ये सब शौकीन आदमी की निशानियां हैं जिस तरह अब जो है वो साइकिल साइकिलिंग का जो एक कॉन्सेप्ट डेवलप हम कर रहे हैं और आ, ये अब आपके ना थोड़ा सा ठहराव सा आ रहा है मुझे लगता है कि मेरे जो आखिर के दो आ, शौक है ना वो एक साइकिलिंग है और दूसरा वो डायलिसिस सेंटर है हॉस्पिटल का जो मैं अपने वाले साहब के नाम पे आ, बना रहा हूँ अच्छा। यहाँ पे राय रोड पे अच्छा वो बना रहे हैं कितना वो मैंने एक पुरानी बिल्डिंग थी उसको रेनोवेट किया है उसको हुँ. रेंट पे लिया हुआ है और उनतीस बेड्स का यानी उनतीस डायलिसिस मशीन का वो है कंप्लीट हो चुका है रेनोवेशन उसकी हो चुकी है मशीनों का एडवांस भी दिया जा चुका है और उम्मीद है कि बहुत जल्द जो है उसको अच्छा ये जो दो दो लियो हुए हैं उन्होंने काफ़ी सारे काम पकड़ रखे हैं हाँ <laughs> काफी सारे तो बस ये आखिर की जो दो काम है ना एक ये साइकिलिंग हाँ। और एक ये डायलिसिस सेंटर मुझे लगता है कि इसी इसी को ले ऊपर जाना है और जब अल्लाह ने पूछना है हाँ। तो उसको यही कहना है कि ये साइकिलिंग इसलिए की कि लोगों की फलाह और उसको हेल्थी एक्टिविटी की तरफ लेके आए और ये आपके वेलफेयर के लिए किया है तो मे इसी आपको शायद महम्बू भाई को तो पता है कि पीटीआई के लिए और इमरान खान के लिए बहुत कुछ हम एक्टिव थे लेकिन बहुत आइडलिज़म के पीछे भागने के बाद मैंने ये फैसला किया है मैंने मैं जज किया कि हम आप हम सब जितने भी हैं अगर अपने हिस्से की छोटी सी कोशिश कर लें तो शायद आ, कुछ बेहतरी आ सकती है क्योंकि मुझे नहीं लगता कि हमारी लाइफ में कोई बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आएगा इस कंट्री में हाँ क्योंकि अपने आप को खुद बेहतर करना चाहिए और अपनी तरफ से कोई बिल्कुल कोशिश करनी चाहिए हर इंसान को बिल्कुल तो क्या समझते हैं आप के कैसे लोग आए इस तरफ जैसे कि बाहर की कंट्रीज में लोग अपने मुल्क से बहुत प्यार करते हैं और बड़ा ख्याल करते हैं अब यहाँ पे क्या किया जाए कैसे लोगों को फेयर किया जाए यहां पे सब कुछ है यहाँ एक चीज़ नहीं है वो कानून की हुक्मरानी नहीं है हाँ लॉ है लॉ पर इम्प्लीमेंट नहीं है अब मिसाल के तौर पे अगर एक सेल्समैन हैं या जिनकी पचास हज़ार महीने की तनख्वाह है और वो चाहते हैं कि ये महंगाई का दौर है इसमें को बेहतरी आ जाए उनको रिलीफ मिले गवर्नमेंट एक आप अक्सर न्यूज़ देखती हैं तो आपको लगता है कि तो गवर्नमेंट एक रिलीफ दे आ, तो मेरे पास एक ऐसा फॉर्मूला है जो मैं आपके चैनल के, के जरिए तमाम उन लोगों को जो अपने आप को रिलीफ दे सकते हैं मिसाल के तौर पर कि अगर किसी की पचास हजार रुपये तनखा है और उसके पास एक मोटरसाइकिल है और वो दिन में पंद्रह से बीस या पच्चीस या पचास किलोमीटर तक का सफ़र वो तय करता है अब उस पचास किलोमीटर के सफ़र में वो दिन का डेढ़ लीटर या दो लीटर पेट्रोल खर्च करता है दैट मीन्स कि वो पाँच सौ से छः सौ रुपया रोज का अपने उस सिर्फ पचास किलोमीटर के डायमीटर को रेजिडेंस को डिस्टेंस को कवर करता है मैं उसको एक साइकिल देता हूँ एक ऐसी साइकिल जिसको चलाने के लिए उसको किसी प्रैक्टिस की या किसी फिटनेस की जरूरत नहीं है वो साइकिल इतनी अच्छी होगी और वो अगर उस मोटरसाइकिल को छोड़ के उस पच्चीस किलोमीटर की साइकिल चलाना शुरू कर दे तो वो पचास पाँच सौ रुपये भी डेली बचाए तो पंद्रह हजार रुपया डेली वो बच सकता है यानी कि अगर आप पचास हजार रुपया कमाते हैं तो उसमें से अगर आप पंद्रह हजार रुपया सिर्फ अपनी ट्रांसपोर्ट पे खर्च कर देते हैं तो आप थर्टी परसेंट अपना खर्चा वो, वो, वो कर सकते हैं और फिर पोल्यूशन हाँ जी नहीं पोल्यूशन को छोड़ दें उसका इतना बड़ा पे, अगर पेट है इतनी बड़ी गर्दन है आप उसे कहें कि जी एक्सरसाइज करें वो कहते हैं टाइम ही नहीं है ठीक है माना टाइम नहीं है लेकिन अगर आप अपने वर्क प्लेस पे जाते वक्त और आते वक्त दस दस पंद्रह पंद्रह किलोमीटर साइकिल चला लेंगे तो आपकी सेहत भी अच्छी होगी और आपकी ज़िंदगी में थ्री सिक्सटी का चेंज आएगा आपकी और मेरी ये बात सुनकर ये लाहौर फैसला कर लें मिसाल के तौर पर लाहौर कराची में एवरेज अगर एक करोड़ मोटरसाइकिल चलता है और वो एक करोड़ मोटरसाइकिल हट के वहाँ साइकिल आ जाए तो एक करोड़ लीटर पेट्रोल रोज का बच सकता है और याद रखिए पाकिस्तान में जब तक आप पेट्रोल की कंजम्पशन को कम नहीं करेंगे तो आपकी कंट्री तरक्की नहीं कर सकते अब तो वैसे ही कम हो जानी जाए हाँ क्योंकि जा। इतना महंगा हो गया नहीं नहीं फर्क नहीं पड़ता ना साहिबा हाँ। जी बात यह है कि जब सत्तर रुपए लीटर था तब भी बहुत महंगाई 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 आज दो सौ सत्तर रूपये है तो मुझे बताइए कौन सी गाड़ियां खड़ी हो गई हैं रश उतना ही है रश उतना ही है कौन सा पेट्रोल पंप बंद हो गया जी पेट्रोल को खरीद नहीं रहा चने बिक नहीं रहे कुलचे नहीं बिक रहे दही नहीं बिक रहा सब कुछ हो रहा है